हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हम अपने ग्लैमर बाइक में कैसे 180 180 डिस्कवर और प्लैटिना, इन तीनों में एक मडगार्ड लगता है जो कि टायर के ऊपर लगता है, जो कि सिर्फ टायर टायर को कवर करता है, वो प्रॉपर मडगार्ड नहीं जो टायर को कवर करता है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे हम अपनी ग्लैमर बाइक में वो मडगार्ड को फिट करें। चलिए देखिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि हम अपनी बाइक में, ग्लैमर बाइक में मडगार्ड कैसे फिट करें। ये जो मडगार्ड है ये पल्सर 180 का है और ये डिस्कवर में भी लगता है और यही मडगार्ड सेम प्लेटिना में भी लगता है। तो मैं बताता हूँ इस मडगार्ड को फिट कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हमें तीन नट चाहिए, एक प्लास चाहिए और एक 10 नंबर का रिंग चाहिए। 10 नंबर का रिंग जो होता है ये, ठीक है। हमें इससे पहले एक काम करवाना पड़ेगा, वो काम है ये। किसी भी ग्लैमर बाइक में आपको ये पट्टी नहीं मिलेगी। तो ये है क्या चीज़, ये हॉर्न जिस पे लगा होता है ये वो पट्टी, और मैंने यहाँ पे ना इसको बेल्डिंग करवा ली। बेल्डिंग करवाने के बाद मैंने इसको ब्लैक टेपिंग करा ली। सेम मैंने ऐसी दूसरी साइड पे भी की है, ये रहा, सेम ऐसी दूसरी साइड पे भी मैंने किया है। ये जो मडगार्ड होगा वो इसमें इस तरीके से कवर हो जाएगा यहाँ पे। उससे क्या होगा, एक्चुअली मैंने बताया था, जैसे कि मैंने अपनी बाइक के शॉकर उठवा रखे तो नीचे का एरिया काफ़ी गंदा सा हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो उठा उठा सा रहता है। इसलिए मैं इसको कवर करूँगा और ये थोड़ा काफ़ी स्पोर्टी टाइप का भी लुक देगा। जैसे कि मैं बता रहा था, ये जो मडगार्ड है ये पल्सर 180 का भी है और ये सभी इसमें सूटेबल होता है। ये मतलब आप किसी भी बाइक में लगवा लो, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको बताता हूँ कि कुछ लुक कैसा सा दीजिए। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, इसको इस तरीके से लगाना है और ऐसे ये वाला जो एरिया है ना, इसको बाहर की साइड रखना। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, आप जितना चाहते हो इसको उतना टेढ़ा भी कर सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो। मैं इसको ऐसे क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि जो मेरी बाइक है इसमें ट्यूबलेस टायर नहीं है, तो ये थोड़ा ऐसा सा लुक आता है। ऐसे जितना मतलब यहाँ तक मैं आप आराम से इसको अच्छा लुक, क्योंकि ट्यूबलेस टायर होता है तो उसके लिए हमें पूरा टायर नहीं खोलना पड़ता, लेकिन ये मेरे में ट्यूबलेस टायर नहीं है तो मुझे पूरा टायर खोलना पड़ेगा। इसलिए मैं इसको ऊपर की साइड से फिट करूँगा, ठीक है। फिट करने के लिए ज़्यादा कोई मेहनत का प्रोसेस नहीं है। जो हमारी ये वाली साइड है, इस वाली साइड पे ये एक छेद ऐसे और ये एक छेद ऐसे, ये इस पर यहाँ पर हम नट लगा देंगे, जो कि नट मैं आपको बता रहा था, और ऐसे सेम नट हम दूसरी साइड पर लगा देंगे। ये कुछ ऐसा सा लुक देगी। अभी मैं इस नट को लगा के दिखाता हूँ कि कैसा लुक देगी, ठीक है। एक यहाँ पे और एक इधर आगे, इधर और इधर। अभी मैं इसको लगाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे। चलो दोस्तों, ये फिट करने के बाद इस तरीके से फिट हुआ है। मैं देखो, एक नट ये था और एक नट ये था। करना कुछ नहीं था, यहाँ से वो पीछे से छेद लेके इस पर आप बेल्डिंग करवा के, जैसे बताता था बेल्डिंग करवा के इसके ऊपर ये अपने आप ही सेट हो। हाँ, एक चीज़ याद रखना, जो ये वाला हिस्सा है चैन का ऊपर नीचे करने का, ये हिस्से को बचा के रखना, इस पर बेल्डिंग नहीं हुई थी। बहुत खास कोशिश ध्यान रखना, मैंने भी बेल्डिंग करवाई थी तो मेरी भी यहाँ पे यही गलती हो गई थी कि इस पर बेल्डिंग हुई थी, तो बड़ी मुश्किल से ये मैंने हटवाया, ठीक है। और ऐसी सेम प्रोसेस हमें दूसरी साइड करना है, मैं दूसरी साइड भी करके दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, ऐसा ऐसा आ रहा है कुछ, इसको ऐसे फिट करना है, ठीक है। अभी मैं एक करके दिखाता हूँ। ये गलत, ये ऐसे करके, ये देखो ऐसे फिट हो जाएगा ये, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, ये नट थोड़ा बड़ा है तो आपने थोड़ा छोटा नट लेने की कोशिश करना, ये नट। और हाँ, ये नट ना इसी के साथ ही मिलेगा, ये दोनों नट आप साथ में खरीद लेना, और कुछ इसका लुक ऐसा सा आएगा, ऐसा था। और हाँ, एक चीज़ और, इसी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका कोई भी टायर ना इसमें फंसेगा नहीं, जो आपको लगे कि टायर इसमें फंसेगा, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको समझ में आ गया, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। तो दोस्तों देखो, फिर करने के बाद कुछ ऐसा सा लुक आया, तो मैं आपको चीज़ों दिखा रहा हूँ। देखो, टायर भी बिल्कुल नहीं फंस रहा, फुल स्मूथली रहा है, जो काफ़ी
काफ़ी सेक्सी सा लुक लग रहा है इसका ये। बिल्कुल बिल्कुल नहीं फंस रहा टायर इसमें, कि आपको ये डाउट हो कि टायर फंस रहा हो कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। मैं आपको दूसरे बता दूँ, तो आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि कैसे वो मडगार्ड को हमें फिट करना है। जो आप हमने हॉर्न की एक वो लगाई थी, जो मैंने आपको कहा था कि हमने एक हॉर्न की पत्ती को बेल्डिंग किया था, तो वो बेल्डिंग हमने किस वे में किया था? पहले तो आप एक चीज़ याद रखना, जो शॉकर के साइड में एक जो जिस पे शॉकर टिके वो है उस पर हमें उस पर टच नहीं करवाना। दूसरा वो जो जिस पे चैन सेट होती है, जो चैन की सेट होती है, ना ही उस पर करवाना। ये चीज़ का आप खास तौर से ध्यान रखना। और जो उसके ऊपर वाला एरिया, थोड़ा सा एरिया उसको बाहर निकालना, कोई दिक्कत नहीं है सबसे बड़ी बात। और हाँ, जो दूसरी साइड का जिसके ऊपर चैन कवर लगा हुआ था, दूसरी बात उस पे चैन कवर के ऊपर जो नट हमने फिट किया था, तो वो फिट ना आप ध्यान रखना कि उस साइड पे नट छोटा सा लेना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो, आप लोगों के जितने भी दोस्त होंगे उनको शेयर करो। और बाकी हैव अ गुड डे, बाय।